Hey everyone, assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Fairy Vlog. तो guys, वापस से मैंने अगेन एक vlogging start कर दी हूँ. तो now finally हम निकल रहे हैं दिल्ली से. दिल्ली trip आज हमारी complete हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सरोजिनी नगर भी जाके आ गए. और जोहान को जैसे ही कैमरा उठा लो पता चल जाता है कैमरा उठ गया. तो जोहान को बस ऐसा है कि बस लो मुझे भी. तो ये देखो, ये हमारा रूम था जिसमें हम 6 लोग थे. थोड़ा हाइजीन वगैरह का ख्याल नहीं था क्योंकि हम रह भी नहीं रहे थे, तो हमने साफ वगैरह भी निकलवाए थे. आ रहे थे, सो रहे थे और फौरन निकल जा रहे थे घूमने के लिए. बट अच्छा रूम था. हमारे रूम का प्राइस था 1000 रुपीज, जिसमें हम लोग कुछ सात लोग रह रहे थे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर गर्म पानी का है, 24 घंटे गर्म पानी था. गर्म पानी अच्छा खासा इंजॉय कर सकते, रात में चाहिए दिन में चाहिए. 24 घंटे गीजर लगा हुआ था, अच्छा खासा था. और ये नियर एकदम दरगाह के पास है. तो यहाँ देखो जोहान को, पूरा बैकग्राउंड आपने वॉइस सुने रोने की, यहाँ आके शांत हो गया. हाँ तो पूरी खुश देखो मेरे बच्चे को. बस इसको मैं हर जगह ऐसी टांग के घूमू, मैं कुछ काम नहीं करूँ. चिड़ा रहा कैसे? तो हम लोग अब निकल रहे. रात भर की जर्नी हमने इसके लिए रखा है क्योंकि हमारी स्लीपर है. हम सो के आराम से अर्ली मॉर्निंग कल अजमेर शरीफ पहुंचेंगे. हाँ, ओह अरे मेरा बेटा कलेजू. तो बस ये देखो, जोहान को शूज वगैरह पहना लिए, मैंने वही ड्रेस वेयर की हूँ, जैकेट वेयर कर ली हूँ. अब निकलती है. तो जाते जाते बस हमने सोचा सलामी दे देते हैं. ये वजू खाना और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पीर बाबा की दरगाह. और ये है गेट माशाल्लाह से. ये देखो, इस पे भी पूरे कलमे लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे. और ये दरगाह दो है, एक वहाँ पीछे साइड में और एक ये बड़ी दरगाह है. बस अल्लाह पाक सब की दुआओं को कबूल अता फरमाए. जितने लोग भी ये वीडियो देख के दुआ मांग रहे, सब की दुआ को कबूल अता फरमाए. ये है एक दरगाह माशाल्लाह से और ये है दूसरी दरगाह. दोनों पे आपको आना है तो चादर चढ़ाना है. ये देख लो माशाल्लाह से, माशाल्लाह से. ये है बड़ी दरगाह और ये है छोटी दरगाह. यहाँ पे चलता है अगरबत्ती. यहाँ पे माशाल्लाह. तो फाइनली हम लोग ना फतेहपुरी कैसे कैसे करके बस में पहुंचे. वहाँ से ट्रेवल, एक मिनट को मैं बताती हूँ, मेरे पास टिकट है. वहाँ से हमने ये वाली जो दिल्ली में गाड़ी चलती है वो ले लिए. एक बात मैं आपको बता दूँ, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगता है लेकिन ऐसी गाड़ी वगैरह करके आप पहुँचो, वरना इतना ज़्यादा ज़्यादा चार्ज मांगेंगे ना. हम लोग से एक एक जन का 50-50 रुपये मांग रहे थे और हम लोग 10-10 रुपये में पहुँचे. यहाँ 10-10 रुपये इतना लूट रहे, इतना लूट रहे. अगर आपके पास नॉलेज ना हो ना तो भैया आप तो दिल्ली में लूट ही जाओ. हम लोग 10-10 रुपये में यहाँ तक पहुँचे और 20-30 रुपये हमें लगेज का देना पड़ा. मतलब टोटल 110 रुपये में हम लोग स्टेशन पहुँच रहे. और ऐसे हमसे एक जन का 50 रुपये मांग रहा था. बताओ लगेज का अलग चार्ज, हर जगह लगेज का चार्ज है ना. आपको कहीं भी फ्री नहीं है भैया, हर जगह 10 रुपया एक बैग है लगेज का आपको. तो है ना, यहाँ पे भी पूरा बस का है. आपके पास थोड़ा टाइम हो ना तो आप आके खुद बुक कर सकते हो विदाउट एजेंट. मुझे अभी जस्ट पता चला कि यहाँ पे पूरा लाइन से ना एकदम टिकट का है. तो हमें पहले पता था तो हम यहीं आके करते. और अभी सब लोग बैठे चाय पीने के लिए. मैं दिखाती हूँ आपको, बाकी ठंड यहाँ पर है बट हल्की फुल्की, मेरे पूरे हेल्थ खराब हो गए. पहुँच गए हैं स्टेशन और ये वाले बस से हमारी जो बस थी बुक थी. यहाँ पे भी खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम है, ये देख लो. और अगर आपको चाहिए ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी आके बस वगैरह बुक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एजेंट है. और यहाँ पे खाने का स्टॉल वगैरह जो है वो भी काफ़ी है. सबकी चीज़ें, सबके काम की चीज़ें मिलती है. ये देख लो सारे लाइन से एकदम लास्ट तक का है ना, पूरा पूरा की पूरा ट्रैवल्स वाले लोग का ही है. तो आप चाहिए तो आप डायरेक्ट भी आके यहाँ बुक कर सकते हो गाड़ी. बाबू को सोनी भूख लग गई, जानू मम्मा भूख लग गई. हाँ भूख लग गई, लो मेरे बच्चे को ये देखो भूख लग गई. अभी हम लोग यहाँ पे गर्मा गर्म चाय इंजॉय करें. खाना हम लोग ने ऑलरेडी पार्सल बनवा लिए थे तो यहाँ पे कड़क चाय बनवा के एकदम जो है हम इंजॉय कर रहे हैं. बाकी वो रही हमारी बस और यहाँ पे रही हमारी थोड़ी सी टीम.
अम्मा का बेटा, अम्मा का बेटा चाय चाहिए। हे राजा बेटा, जानू बस बस बस। हाँ ये देखो, यहाँ की खारी कुछ इस तरीके से होती है। बाकी चाय, बिस्किट एंड ऑल, और ये गर्मा गर्म चाय। सामने मेरे गर्मा गर्म छोले और ये सब है। ये देख लो यहाँ पे राइस है। क्या क्या है भाई? छोले बढ़ रहे हैं, छोले चावल है। हाँ आलू पराठे खत्म हो गए। अच्छा आलू पराठे खत्म हो गए, तो छोले कितने के? 30 रुपए प्लेट है मैडम। 30 हाफ है या फुल है? फुल प्लेट एक प्लेट। अच्छा 30 रुपए के, ओके। तो ये गर्मा गर्म राइस है और ये छोले है ना? यस। 30 रुपए की प्लेट है, उसमें आएंगे दो छोले और वहाँ पे गर्मा गर्म राइस और छोले और यहाँ पे भटूरे बनेंगे गर्मा गर्म। ये दिल्ली की मतलब समझो स्पेशल डिश है कि छोले और कुलचे जो है आपको हर जगह मिलेंगे। तो यहाँ गर्मा गर्म छोले लग रहे हैं जी। एक मिनट, और ये आ गई मेरी प्लेट, ये देख लो। यहाँ बैठ के मैं खा लेती हूँ, रुक जाओ। गर्म छोले ये, और ये कुलचे और ये राइस, और इसका प्राइस है 40 रुपये। और यहाँ पे अचार भी साथ में सर्व किया जाता है। ये है हमारी बस जो हमने अजमेर शरीफ के लिए ले लिए, पकड़ लिए। और ये है स्टार्टिंग से स्लीपर सारी, और हमने आगे की स्लीपर मांगे थे पर हमें मिली नहीं। पर ये अच्छी कंफर्टेबल है, ये देखो लाइट नहीं दिख रही होगी। फर्स्ट वन सीटर की भी कंफर्टेबल है और टू सीटर की भी कंफर्टेबल है। और ये रही, और ये मेरे फैमिली, ये भी पूरी हमारी सीट है। ये पूरी लाइट नहीं चालू इसकी वजह से दिख नहीं रहा है। ये हमने कुछ सीटर लिए हैं और ये बाकी हमारी पूरी पीछे की स्लीपर। हाय गाइस, ये सब एनिया कैसा चढ़ी है। यहाँ आंटी, मम्मी और डैडी, ये पूरी पूरी पीछे की जो है पूरी हमारी है स्लीपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अजमेर की जर्नी। लाइट जो है चालू हो चुकी है और यहाँ पे जोहान को देखो, खूब मजे ना, खूब मजे, खूब मजे, अजमेर जा रहे। तो बस हमारी बस अभी निकलने वाली है। निया कैसा फील हो रहा है? बहुत किचिर किचिर है। और ये सब सीट जो है हमें एक्स्ट्रा मिल गई है। हम यहाँ पे भी थोड़ा अपना सामान वामान डाल के, और ये सीटर है, ये एक जन की है और ये दो जन वाली सीटर है। दीदी थोड़ा आराम कर रही है, यहाँ पे देख लो। तो ये सब जो बुक है हमारी हो गई है पूरी। सो गाइस फाइनली हम लोग उतर गए और मारे मुझे को क्या हवा निकल रही है और अभी कितनी चोट फूका पे मुंह है कि क्या इसका। तो हम लोग ना अभी ये देखो सब कैसा कापरे उतर गए कुछ खाने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा लंच वगैरह करेंगे, खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, लंच वगैरह करेंगे। ठंडी में दिमाग बर्फ हो गया है, बर्फ। डिनर विनर करेंगे, मस्त चाय वाय पियेंगे, ठंडा लेंगे, थोड़ा एसिडिटी भी हो रही है। हाँ भैया, ये तो और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक तो है ना। और फिर वापस से जर्नी स्टार्ट करेंगे। और सच में अब भी हम लोग को निकल के एक घंटा हुआ है और हमारी हालत इतनी बुरी हुई। देखते चलो कुछ डिनर में क्या मिलता है खाने को। धुआं देखो, हम लोग बात भी कर रहे ना, बात मेरे मुँह से इतना धुआं निकल रहा है। और दीदी यहाँ शॉल वगैरह लिए, मम्मी बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं थी इतनी ठंड होगी। अच्छा हुआ ये वाला जो जैकेट है ना मैंने दिल्ली से ले ली, और ये टोपी वगैरह तो मैं मुंबई से लाई थी, पर एक्सपेक्ट नहीं था जितनी ठंडी है। एक हाथ से व्लॉगिंग के लिए ये निकाली हूँ, हाथ की तो बैंड बज गई है। तो चलते कुछ गर्म गर्म ऐसा पीते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, उसके अलावा तो कुछ नहीं पीनी क्योंकि बस जानी है। बस का किसी को ना इतना चलता नहीं खाने पीने का। फिर भी इतना सारा डिनर हम लोग ने होटल से दिल्ली के फेमस अचारी बिरयानी पार्सल करवा लिए थे, तो खरीद लिए थे। अगर किसी को खाना रहेगा तो ठीक है, मैं सब अंदर चल के देखते हैं। फुल हीरो बन के, अरे छा रहे। हाँ देखो ना, तो ये होटल है जहाँ हम रुके। अभी हम यहाँ गर्मा गर्म चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि लंच तो डिनर तो हमने पार्सल लाए। पर गर्मा गर्म भजिया है, ये ऑनियन भजिया है, यहाँ पे चाय। भाई चाय दो ना, तीन चाय दो, तीन चाय, तीन चाय,
ऑनियन और मिर्ची पकौड़ा भजिया। तो ये वाली बस है जिसे हम आज ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से अजमेर। ये देख लो, ये स्लीपर प्लस सीटर है और हम लोग ने ना नॉन एसी लिए। यही बस है ना ये सफर अपनी है ना। सो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग अजमेर शरीफ पहुंच गए हैं। अभी जस्ट हम लोग अजमेर शरीफ के बस स्टॉप पे उतरे। यहाँ से कुछ 2 से 3 किलोमीटर दूर है अजमेर शरीफ। ये रही हमारी बस और अभी हमारा जो लगेज है वो पूरा पहले एक साथ कर लेते वरना कुछ ना कुछ भूल जाएंगे। फिर आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 घंटे में हम लोग अजमेर शरीफ पहुँच जाएंगे। सामने है अजमेर शरीफ की दरगाह और हम पहुंच गए अजमेर शरीफ। यहाँ पे सुबह सुबह सब चाय पी रहे। हाय, तो गर्मा गर्म चाय इंजॉय करें। और जोहान बाबू को देखो, इतनी ठंडी लगी, मेरा बच्चा सो गया। खूब मज़े लेके आया और यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे और ये सामने रही दरगाह। सो फाइनली गाइस मॉर्निंग हम लोग है अजमेर शरीफ में। हम पहुँच गए अजमेर शरीफ। अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे जहाँ पे हमने बुकिंग की है और हम लोग ने आने से पहले ही बुकिंग कर दिए थे। मेरा काजल पूरी रात फैल गया और बहुत अच्छी ट्रिप रही। रात भर हम लोग ने बहुत इंजॉय किए, खूब लपड़े किए, खूब झगड़े किए और झगड़े लपड़े करके हम लोग अजमेर शरीफ पहुँच गए। तो अभी सबसे पहले चलते सो रहा था जब ही। हाँ, ये काला है ना, ये काला ये। तो अभी हम लोग बस ये सामने दरगाह, एकदम सामने दरगाह है और हम यहाँ नाश्ता वाश्ता करने रुके थे सब थोड़ा। तो बस अभी चलते हैं, क्या बोलते हैं, घर देखने के लिए। को अजमेर शरीफ और सामने ही पूरा बुलंद दरवाजा है और ऐसी मार्केट लगती है सुबह सुबह। ये देखो अजमेर शरीफ में। यहाँ भी ऐसी गाड़ी चलती है। ये देखो सांबर, इतनी सांबर। अजमेर की मिठाई, खिलौने, सुबह सुबह भी सब मार्केट लग रही है। तो माशाल्लाह 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 हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, ये जो मार्केट है सबसे चीपेस्ट मार्केट है अजमेर की, जो दरगाह के सामने लगती है और पूरा मतलब आपको एकदम चीपेस्ट रेट में सारी चीज़ें मिलेगी। ये देखो माशाल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज पहुंच गए। हम लोग आए रूम देखने के लिए। ये रूम है, यहाँ पे 6-7 लोग आराम से सो जाएंगे। ये बेड है और ये इतना स्पेस है और दूसरा रूम में भी देख रहे हम लोग। ये क्या सामने, हट मियां, हटो खाला, चलो अंदर। इसका बाथरूम बाहर है, ये कूलर लगा हुआ है, हीटर का कूलर है कि भाई सर्दी का, ये तो हीट का है कि ठंडी का है। ठंडी का कूलर है। ये बाथरूम बाहर है ना इसका, अच्छा लैट्रिन उस साइड में, गीजर लगा हुआ है। हाँ भाई, अजमेर की खाओ गली, यहाँ से एक और दरवाजा है और यहाँ आपको पूरे फूड्स के बोलते ना पूरे स्टॉल मिल जाएंगे। अभी सब खुल रहे आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, इतनी मॉर्निंग नहीं खुलते, थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारी होटलें मिल जाएगी
जहाँ पे आप ना बहुत अच्छा अच्छा खाना इंजॉय कर सकते हैं। देखो गर्मा गर्म पूड़ी पराठे देखो जगह जगह पे मिल जाएंगे आपको। ये देखो इसे खाओ गली बोलते हैं। यहाँ पे पराठे ज़्यादा ये होते हैं बिकते हैं। बिरयानी बाकी नान देखो स्वीट गरम जलेबी भजिया फाफड़ा चीज़ की दुकानें भी है इसे देखो। इसे बोलते हैं खाओ गली अजमेर की खाओ गली। सारे स्वीट्स देखो चाय तो आपको जगह जगह पे मिल जाएगी। पोहा सो गाइस फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमें अच्छा खासा रूम मिल गया और 3 घंटा हमें लगा। ये भाई हमें पहले ही बोल रहे थे जब हम लोग उतरे फ़ौरन, ये भाई बोले चलो मेरा रूम देख लो, बट हम इतना घूमे और फाइनली उनके ही रूम में आके हम रुके। तो अभी व्लॉग तो मैं बस यहीं एंड कर रही हूँ, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। थोड़ा फ्रेश होती हूँ, नहाती धोती हूँ अच्छे से गर्म पानी से, नहा धो के फ्रेश होके रूम टूर देती हूँ। रूम कितने में मिला, क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में देती हूँ। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लोगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। एंड और मैं कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियोज लाने के लिए इंशाल्लाह जरूर। तो बस यहाँ का वीडियो अभी मैं एंड करती हूँ।